ए गुड और ए बैड स्टार्ट टू गैंगटॉक। हाँ मनी, होता है यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। ब्रेक फ्लूइड का पाइप फट गया, चक्का फट गया, 2 दिन गाड़ी बर्फ में पड़ी रही, सब होता है। किस्मत ही खराब है साली। ये तो गैंगटॉक हमारे कभी भी रूट प्लान में नहीं था। वहाँ मेघालय से निकल के आसाम, अरुणाचल पहले था, फिर मेघालय था। मेघालय में 2 दिन और रुकना था एंड उसके बाद रिटर्न जर्नी स्टार्ट करनी थी। बट ठीक है, सम अदर टाइम। अभी तो चाय मारते हैं। अच्छा, ऐसा करोगे बाबा? अरे ऐसा नहीं करेंगे भाई। मतलब हम चलाएंगे, हम कैसे होगा फिर? कैसे होगा? मतलब हम गाड़ी चलाएंगे तो तुम गाना नहीं सुनाओगे हमको? अरे नहीं, तोड़ नाचने लगोगे एकदम से। नागिन नागिन गिन 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 गिन। सो राइट हैंड साइड पे एक रास्ता जा रहा है, दैट इज टुवर्ड्स फुनसुलिंग एंड 18 किलोमीटर है यहाँ से फुनसुलिंग विच इज भूटान। और हम कंफ्यूज है कि हम क्या सीधा सिक्किम जाएं विच इज लाइक 206 किलोमीटर जिसमें लगने वाले 5 घंटे 10 मिनट, या फिर हम जाएं भूटान। क्या बाबा? अरे यार भूटान में फिर डॉलर लगने लगेंगे भाई। भूटान तो एक बार घूम ही लिया। सिलीगुड़ी 131 एंड जलपाईगुड़ी इज 82। अब ये वाला रास्ता ही हम लिए थे लास्ट टाइम भूटान के लिए, तो यादें ताजा हो रही है। सो द रोड्स आर सो डैम फ्रीकिंग अमेजिंग यार। और सामने नजारा जो है ना, मतलब आसमान के पीछे बादल ढल रहा है, सॉरी सूरज ढल रहा है। समझ ही गया, भावनाओं को समझो, शब्दों पे बच जाओ। शब्दावली में हेर फेर हो सकता है, भावनाओं में नहीं। और भूटान नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल परमिशन चाहिए, जो मनी के पास अभी नहीं है। मैं तो जा सकता हूँ भाई, अपन तो एकदम फ्री, उड़ता पंछी बहता पानी है, किधर भी जाने का, किधर भी कुछ भी करने का। अपने को 7 दिन और बाद ऑफिस ज्वाइन करने का। मुसीबत में कोई कमी तो नहीं है? मुसीबत में कोई कमी नहीं है भाई, कोई कमी नहीं है मुसीबत में। ये ट्रिप इतना एडवेंचर से भरा हुआ निकला ना, मतलब भाई अरुणाचल गए, बर्फ पड़ गया, इतना बर्फ पड़ा कि गाड़ी दब गया बर्फ के अंदर। मेघालय गए, कर्फ्यू लग गया, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, टूरिस्ट को पेला जा रहा है, पकड़ पकड़ के मुक्के मार रहे हैं। अब सिक्किम में पता नहीं क्या करवा के आएगा। हाय सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, अपनी किस्मत बहुत जबर है भाई। अपना परचम जो एकदम बुलंद है, परचम बुलंद है एकदम। किला फतह होगा, एकदम होगा भाई। सोचो सच पास सेला पास, असी जंग जीत गए साहब जी, असी जंग जीत गए। अरे इस पे क्यों मार रहा हूँ? स्टेरिंग पे मारने लगा ना, इतना खुश, पता नहीं कहाँ से खुशी आ गई। सुबह तक तो साला आवाज नहीं निकल रहा था यार। अरे भाई सुबह तो ऐसा लग रहा था जैसे बैटरी बोला भाई छोड़ दो हमको। हाँ डिस्चार्ज, पूरा डिस्चार्ज, बकच दो आवाज हमको, बकच दो। आंटी पता नहीं चाय में क्या मिला के पिलाई, के चाय पीने के बाद ना फुल एनर्जी भाई, फुल एनर्जी कंटेंट है भाई ये। भागते कुत्ते को मारा एक्सीवी ने, तो अपनी जान बचा के भाग ना पाया। धर एक्सीवी ने दबोचा उसको अपने चंगुल में, धर दबोचा। अरे कतई जहर भाई। सो गाइज, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर इन दिस वीडियो, लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट Boodmoo.com। सो Boodmoo.com इज द बिगेस्ट स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट इन इंडिया। इनके पास छोटी से बड़ी गाड़ी का स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक छोटी शहर में रहते हैं और वहाँ पे हमें जो पार्ट्स चाहिए अपनी गाड़ी के लिए, वो सर्विस सेंटर या लोकल शॉप पे अवेलेबल नहीं रहता है। प्लस अगर लोकल शॉप पे भी अवेलेबल है तो पार्ट्स कितना जेन्युइन है, किस कंपनी का है, वो पता नहीं चल पाता है। तो उस केस में मैं Boodmoo.com पे जाके वो पार्ट ऑर्डर कर सकता हूँ। हर एक मैन्युफैक्चरर, हर एक मेक के लिए वहाँ पे मुझे पार्ट्स अवेलेबल रहेगा। कितने दिन में वो पार्ट मेरे घर पे डिलीवर होगा, वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे पता चल सकती हैं। यहाँ पे मुझे डिफरेंट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट चाहिए तो डिफरेंट ऑप्शन मिलने से मुझे प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सो आई कैन सेलेक्ट द प्राइसिंग, आई कैन सेलेक्ट द पार्ट एंड आई कैन ऑर्डर द पार्ट। सो सेकंड चीज कि अगर वो ने वो पार्ट मंगाया और मुझे समझ में नहीं आया, तो 10 डेज ऑफ एश्योर्ड
रिटर्न पॉलिसी है इनकी, 10 दिन में मैं वो पार्ट रिटर्न कर सकता हूँ। सो यार budmo.com एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, गो चेक इट आउट। मैं Budmo का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो हम भूटान के इतने करीब है, देखो एक भूटान का ट्रक दिख रहा है, BP2। सो अभी अपन यहाँ पे समोसा खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि भूख लगी, सुबह से कुछ खाई नहीं है। So we'll be taking a right turn towards Siliguri. Basically NH 17 पे right turn लेंगे, आगे बता रहा है 130 meters पे। अब last time जब हम Siliguri आए थे तो Google ने हमें एक ऐसे नहर वाले रास्ते में ले गई थी shortest route बोल के, तो अब don't know, but देख रहे हैं कि गाड़ियाँ भी एक दो मुड़ रही हैं, तो अपन भी मुड़ जाते हैं, राम भरोसे तो चल ही रहे भाई। तो अभी Siliguri 103 किलोमीटर दिखा रहा है, गैंगटॉक इज 173। तो हमारा जो GPS लोकेशन है उसके हिसाब से भी 165 किलोमीटर है अपने होटल का, तो ठीक है इसी रास्ते पे चलना है। क्या भाई NH है? हाँ NH 17। सतारा ले जाएगा क्या ये? सतारा है भाई, सतारा सेक्टर 17 की मार्केट, चंडीगढ़ बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट एंड सी गुड क्राउड। रोड कहता है जहर हो रहे हैं भाई, जहर में लीजिए ऑफ रोडिंग वाला फील, आइए NH 17 पे। क्या आपको ऑफ रोडिंग का बहुत शौक है और आप शहर से, आपका काम आपको शहर से बाहर नहीं जाने दे रहा, आइए लीजिए शहर में ऑफ रोडिंग वाला फील, आइए पधारिए NH 17 पे। लेकिन हम मजाक कर रहे हैं यार, रोड अच्छे है, बीच में हंसी मजाक मजाक या मजाक उड़ाने में ना स्पोर्टिंगली लेना चाहिए, आप मजाक उड़वाओ भी मजाक करो भी तो उससे ना एनर्जी बनी रहती है, क्या बोलते हैं भाई? बिल्कुल, लाफिंग इज द बेस्ट थेरेपी। अरे भाई दोनों तरफ देखो, अगर ये दोनों गाड़ियां ना रहे कतई जहर अंधेरा है, कतई जहर अंधेरा है भाई। इस जस्ट रोड देखो यार, क्या अमेजिंग रोड्स है ना, मतलब इतने प्यारे रोड्स हैं। लास्ट टाइम भी जब हम आ रहे थे तो ये रोड्स हम रात में ही क्रॉस कर रहे थे, एंड रात में ड्राइव करने का ना मज़ा ही अलग होता है यार, ट्रैफिक कम रहता है, थोड़ा हेडलाइट से प्रॉब्लम होता है, हाई बीम लो बीम, तो अपनी इज्जत अपने हाथ में वाला एपिसोड याद है ना, तो जो अपने को इज्जत दे रहा हम भी उसको इज्जत दे रहे हैं, लो बीम पे चला रहे हैं, और जो हाई बीम कर रहा है भैया हम भी हाई बीम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत है साइकिल वाले जो राइट लेफ्ट कहीं भी चलते हैं, तो वो लो बीम पे बहुत सामने आने पे दिखते हैं, तो इसीलिए 80-90 पे चल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे। अमेजिंग रोड्स यार, अमेजिंग रोड्स। Siliguri एन रूट Siliguri है, 100 किलोमीटर आसपास बाकी है Siliguri को। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है एंड सामने आपको थंडरिंग दिख रही होगी, आई डोंट नो, अभी देखो ये गाड़ियाँ जाती है उसके बाद या फिर अगर कुछ आता हो। ये देखो ये थंडरिंग, सो डेफिनेटली शिलोंग, नहीं शिलोंग कह रहा हूँ, गैंगटॉक वैंगटॉक के साइड ना बारिश होने वाली है। ये देखो कितनी तेज धूल और ये आंधी चल रही है बाहर। ये जर्नी हमें क्या क्या दिखाने वाला है भाई। तो आप रोड पे देखो सारे पत्ते गिरे हुए हैं, इतना खूबसूरत, ऐसा लग रहा है जैसे स्विट्जरलैंड में गाड़ी चला रहे हो, बारिश तेज, रोड पे ब्राउन पत्ते एंड रिफ्लेक्टर्स पे जब रोशनी पड़ रही है
इतना अमेजिंग फीलिंग आ रहा है ना बॉस, इतना अमेजिंग, मतलब क्या चाहिए था यार, एकदम जंगल के बीच में दोनों साइड पेड़ और पूरे रोड पे पत्ते गिरे हुए, अमेजिंग। सो वी आर क्रॉसिंग ए प्लेस कॉल्ड माल बाजार। अब माल बाजार को माल बाजार क्यों कहते हैं पता नहीं, बाजार का तो समझ में है, पता नहीं कौन सा माल मिलता है यहाँ पे, फूकने वाला माल मिलता है, वो तो कसोल में मिलता है, क्या पता यहाँ भी मिलता है। ग्रीन से जो अपना डिस्टेंस है 118 किलोमीटर है, अमेजिंग, अभी बारिश का मजा लिया हमने, एंड यहाँ पे रोड्स अच्छे हैं, वाइड हैं, रोड भींगे हुए तो ज्यादा अच्छी फुटेजेस आ रहे हैं तो हमें तो बस फुटेजेस चाहिए भाई, अदरवाइज नॉर्मल में तो मजा नहीं आता ना, नहीं, वो थोड़ा भीगा हुआ ऐसे भी अच्छा लगता है। अरे यार ये मिलिट्री की ट्रक इसमें घुस गई है, ओह आई होप एवरीबॉडी इज सेफ यार, ये बारिश। भाई गजब पूरा माउंटेन्स कवर्ड है ना, ये साला दिन में आना था यार, क्या खतरनाक है यार, अरे नॉर्थ ईस्ट क्या चीज बनाई है भगवान ने भाई, फॉग देख रहे हैं ऊपर पहाड़ों पे, क्या मजेदार फॉग है, वेजिटेशन कितना अच्छा है यार, आई थिंक कैमरा में शायद जस्टिस ना हो, भैया नीचे कर लो लाइट, अरे चचा नीचे कर लो, नहीं करो तो मारो सर के आग पे, मारो सर के आग पे, मारो लाओ गंगा जल, क्या करोगे आज, पवित्र कर देंगे पूरा, धुआं कर देंगे इलाका। गैंगटॉक इज 77-76 किलोमीटर फ्रॉम हियर, नथुला पास इज 137 किलोमीटर, तो अब देखते हैं कल पास, और क्योंकि गैंगटॉक हमारे कभी लिस्ट में था ही नहीं, हमारे लिस्ट में अरुणाचल, मतलब हम तवांग तक नहीं जा पाए, हम चेरापुंजी नहीं जा पाए, तो अब वो कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, तो भाई यहाँ पे देखते हैं क्या धमाल मचाते हैं, क्या तूफानी करते हैं भाई गैंगटॉक में अपन। से उतर गया नीचे, आई थिंक कुछ हुआ तो नहीं होगा, लेकिन रोड्स अच्छे हो गए हैं, चौड़े हैं, बट साइड में नाली है तो वो बहुत डेंजरस है, अभी कुछ देर पहले एक बुलेरो गिरा हुआ दिखा, अब किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब अगर रात में आपको पता नहीं चले और आप बैलेंस नहीं रखो, थोड़ा तेज रखो, तो आप इधर उधर घसक सकते हो, लकली वो नाली के साइड गिरा एंड क्लिफ के साइड नहीं, तो भाई जिंदा बचा होगा पक्का, 100% बात है, बुलेरो उड़ जाएगी यार, गाड़ी का क्या है, आप जिंदा रहोगे तो बहुत सारी गाड़ियां आएंगी, है नहीं भाई। ये ऊपर ऐसे करके कहीं पे चढ़ना है भाई, तो उंगली क्यों नहीं दिख रहा, अच्छा उंगली भी अंधेरे में गायब हो गया ना इसमें आप किसी को उंगली करोगे तो पता नहीं चलेगा किसकी उंगली थी तो पहाड़ों में ज्यादा उंगली नहीं करते भाई, आराम से ड्राइव करते हैं, यहाँ पे नेचर के साथ बदमाशी, तो नेचर आपके साथ जब बदमाश होगा ना तो भाई संभाल नहीं पाओगे। दिस रोड बिलोंग टू नेशनल हाईवे, हाँ भैया तो हम अपने घर थोड़ी ना ले जा रहे, अरे चाचा हाई बीम मारोगे तो हम भी मारेंगे, हमारा इज्जत लोगे तो हम भी तुम्हारा इज्जत लेंगे, हमको इज्जत दोगे तो आपको भी बाइज्जत देंगे, मतलब इज्जत बाइज्जत भरी, और प्लान कर रहे हैं कि गैंगटॉक टू गुड़गांव नॉन स्टॉप, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं पता नहीं, लेकिन कोशिश तो जरूर कर सकते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये नहीं भाई, सो कीप ट्राइंग। अरे जो दरवाजा नॉक ही नहीं करेगा उसका दरवाजा खुलेगा कैसे, एग्जैक्टली बाबा एग्जैक्टली, तुम तो कतई दिल जीत लिए बे एकदम, हाँ चाचा हटिए थोड़ा। बज गया 10 बजे तक तो मार्केट पूरा बंद हो गया, खाना मिलेगा तो खनियाल हो यहीं पे, खाना का रेस्टोरेंट तो था पीछे भाई, इका इतना बड़का को होटल था भाई पीछे, ये सामने वेज नॉनवेज, नॉनवेज हमको इसमें दिख गया था, हाँ एकदम पेल दो रेलम पेल, पूछ लेते ना खाना मिलेगा, चिकन 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 रोटी थम्स अप सैलेड अभी आ रहा है। हेलो
इसका नाम भाई है जी, और सिर्फ भाई, नो सल्लू भाई, और ये आराम से हर जगह घूम घूम रहा है नहीं भैया। बस चिकन खाता है, आराम से खा भाई। भाई तेरा नाम भी है भाई, तो इसको चिकन दिया है खाने के लिए, रोटी नहीं खाता। हाँ सो आर्यन होटल, ये बहुत ही अमेजिंग चिकन, बहुत ही मस्त तरीके से खाना, और सबसे अच्छा भाई, भाई तो सिर्फ चिकन खाता है, और भैया भी इन्होंने बताया हमें कि आगे कैसे जाना है, तो यहाँ पे आके रुक सकते हो, यहाँ पे आके डिनर कर सकते हो। आर्यन होटल, ये कहाँ पे है भैया एग्जैक्टली, क्या नाम है? किरने, 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 KIRNEY। Dude, this is not a rally, just enjoy the valley. So that is what was written on a milestone there. And jab aap pahadon pe aate ho to you find amazing stuff written, jo ki bahut hi funny aur bahut hi sahi hote hain. And here we enter Sikkim. Ye bridge ke is side West Bengal and ye river ke us side Sikkim. So finally Sikkim welcomes us. Oh, वेलकम टू सिक्किम, वेलकम टू सिक्किम। अच्छा, वेलकम टू, क्या बात है, गेट मिला यार यहाँ पे, गाड़ी चेक कर रहे हैं ये लोग। सिक्किम ड्राई स्टेट तो नहीं है? नहीं, सिक्किम ड्राई स्टेट्स, या सिक्किम में परमिशन तो नहीं लगता है? पता नहीं भाई, दारू का बोतल पड़े हुआ, दारू का बोतल तो पड़ा है लेकिन परमिशन तो नहीं लगता है। अच्छा, ड्राई स्टेट नहीं है सिक्किम। ओके, फिर तो सही है, ऐसे कोई स्टेट में जाने नहीं जो ड्राई रहे। बिहार के होके जाने? हाँ, तो बिहार में रुकते कहाँ हैं? हाँ, फोटो फोटो ऑटो पे ले रहे हैं गाड़ी का। हाँ देखो, ले लिया इन्होंने। अच्छा, सर अभी तो हम लोग आ रहे हैं गुवाहाटी से, बट ऐसे हैं दिल्ली से। आईडी दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से। हिमाचल का है ना गाड़ी? नहीं नहीं, हरियाणा गुड़गांव। 15 हो रहे हैं, ठीक है, और यार चेक कर अभी भी। हाँ, आईडी कार्ड से तो फर्क पड़ जाता है यार, बैंक वाले को भी रिस्पेक्ट है भाई, डॉक्टर की रिस्पेक्ट। यही मैं बोल देता, इंजीनियर हूँ और उसके बाद एमबीए करके बैंक में, तो कहता है सर चूतिया है। बहुत नहीं कर, गैंगटॉक इज 28 एंड लाचुंग इज 151 किलोमीटर्स। सो बड़ा ही अमेजिंग है यार, मतलब आके इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है ना, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है। दो रात में हम ट्रैवल कर रहे तो नज़ारे बहुत मिस हो रहे हैं, बट ठीक है, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई दिन के टाइम भी दिखाएंगे आपको, रिटर्न आते वक्त हम ये दिन में कवर कर रहे होंगे तो दिन में आपको नज़ारे दिखाएंगे, रात का भी इंजॉय कर लो। ये देखो कितना रिस्की है, ये बैक करता हूँ मैं, थोड़ा फिर दिखाता हूँ। अब ये टर्न के एग्जैक्टली बाहर ऐसा, सो भाई बहुत ज़्यादा कॉशियसली चलाना पड़ता है रात में तो, स्पेशली जब आपको दिखे नहीं। ये फिर रिमेंबर, एक आर्मी का ट्रक डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया था, यहाँ पे तो पूरा पूरा डिवाइडर ही नहीं है, पूरा पूरा रेलिंग बना हुआ था। सो धीरे चलो, आराम से चलो, बिकॉज इट्स नॉट ए रैली, जस्ट एन्जॉय द वैली। वी हैव एंटर्ड गैंगटॉक सिटी एंड अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर। पूरा शहर सो गया है, पहाड़ों पे अंधेरा जल्दी होता है और लोग भी जल्दी अपने शॉप्स बंद करके अपने घरों पे चले जाते हैं। एज ओके, हम थोड़ा लेट आए लेकिन कल अपन एक्सप्लोर करेंगे। 11 बज रहे हैं रात के, टोटल डिस्टेंस जो आज हमने अभी तक कवर कर लिया है 560 किलोमीटर। तेरे सा यही तो है गेस्ट हाउस एंड होम स्टे, ये ला तेरे सा। अच्छा, ऊपर में ला है? हाँ। साला यहीं पे खड़े हैं और कह रहे हैं कि भैया तो पार्किंग मिल गई ना अपने को। हाँ तो हो गया पार्किंग साला। हाँ, मजाओ शटर खुलवाओ। साला बताओ, बगल में बच्चा घर ढिंडोरा पूरे शहर में, झुंझुना नहीं, झुंझुना क्या था वो कहावत, क्या था? वही वही, मतलब बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा। हाँ तो भैया ये है ला टेरेसा, अभी दिखाता हूँ उतर के आराम से, कतई जहर है। पार्किंग वहीं पे मिली है जहाँ पे हमें होटल जाना था, पर यहाँ से भैया गाड़ी निकालना बहुत डिफिकल्ट है। सो गाड़ी ऐसे पार्क की है क्योंकि यहाँ पे जगह कम था, और यहाँ देखो ये नीचे, और
ये नीचे इस पे चढ़ाया है किसी तरह, ये ऊपर करके पार्क की है, तो सुबह दिखाऊंगा कैसे पार्क है गाड़ी। अभी होटल में चेक इन करते हैं, 11:30 बज चुके हैं, भैया आए हैं हम नीचे रिसीव करने, भैया से फट गया ये वाला चीज। ये पूरा फट गया। शिट। अब पता चलेगा गुडियर अनकंडीशनल जो वारंटी देता है क्या कवर होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि अभी रात है, कोई नहीं है स्ट्रीट में, तो वी थॉट के अभी रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस तो करना ही पड़ता, स्टेप नहीं डलवाना पड़ता। अब इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसमें ट्यूब डलवाएंगे क्योंकि इतना डीप कट है ना कि ट्यूब भी चलेगा नहीं। अब देखते हैं, मनी अभी उठा रहा है। कतई जहर हो गया भाई। ये देखो ये पूरा फट गया। अभी और थोड़ा सा उठेगा, ये देखो पूरा फट गया है। घर बैठे बैठे एक और खर्चा, 10,000 रुपये का चक्का टायर, ट्रेन टायर्स नहीं है। अब इसको निकाल के इसको प्लेस करेंगे, कल देखते हैं ए गुड और ए बैड स्टार्ट टू गैंगटॉक। हाँ मनी, होता है यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। ब्रेक फ्लूइड का पाइप फट गया, चक्का फट गया, 2 दिन गाड़ी बर्फ में पड़ी रही, सब होता है। ओके सो वापस से चक्के गाड़ी को लगा रहे वहीं पे। मनी साइड में आके देख, उधर उसका भी साइड में मनी उधर भी निकला हुआ है। हाँ तुम एकदम किनारे आओ, एकदम किनारे, बी सेंटर से मत देखो, किनारे से देखो, इस साइड से भैया बता देंगे। बस ठीक है, और आगे आएगा नहीं। देखो ये जो पॉइंट है ना, अब चक्का जैसे ही घुमाया मैंने, मुझे पॉइंट पता नहीं था, मुझे तो अंदाजा था कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, इसमें लगा और चक्का फट गया। अभी यहाँ पे पार्क रहेगी गाड़ी, निकल जाएगी ना भैया पीछे वाली गाड़ी, इतने जगह पतला होने का फायदा भी होता है। सो फाइनली चेक्ड इन टू द रूम। कितना टाइम हो रहा है, टाइम पता है? देखो कितना पता है, 12:30 बजे सुबह, 9:30 बजे स्टार्ट किया था, हाथ तो धोए। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव दिस वीडियो लाइक, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में, एक रोड ट्रिप करने में, है नहीं भैया? कतई जहर हो रहे हैं। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन पीस। रेस्ट कर रहा है लटका, थक गया हाँ? कसम से यार, ये पैर हाथ धोया है, ये सामान लगाया है भाई, ये देखो मेहनत चल रही है अपनी, जारी है। कैसे करेगा बाबा? कुछ नहीं करेगा भाई। अब सोएगा, कल क्या करेगा? कल का कल देखेगा, कल का कल देखेंगे। रात में 1 बज गए, अभी 2 घंटे डेटा ट्रांसफर होगा, फिर सोएंगे। चलो ऑफिस जाने से ज्यादा हेक्टिक हो जाता है यार। भैया रेस करोगे? ओ ट्रेन वाले भैया रेस करोगे? हाँ करेगा 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 करेगा, जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, ट्रेन से जीत गया।